आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम सर्दियों के हिसाब से आलू मटर बथुए का रायता बनाने जा रहे हैं। ये हमने 250 ग्राम बथुआ लिया है, इसको साफ करके धो के रख लिया है। और ये एक बाउल मैंने दही लिया है, एक आलू लिया है, 3-4 चम्मच मटर लिए हैं। और ये साफ करने के बाद बथुआ करीबन 100 ग्राम के करीब रह जाता है। बथुए को हम काट कर उबाल कर निचोड़ लेते हैं और आलू को भी हम उबाल लेंगे, मटर को भी उबाल लेंगे और दही को फेंट लेंगे। आलू हमने उबाल कर मैश कर लिए हैं और बथुए को भी मैंने उबाल कर निचोड़ दिया है, मटर को भी उबाल लिया है और दही भी हमने फेंट लिया है। अब ये हम आलू इसके अंदर ऐड करते हैं, सारे आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मटर भी ऐड कर देते हैं और हम ये बथुआ भी ऐड करते हैं। हम 1/4 चम्मच अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं और 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च ऐड करते हैं और एक हमने हरी मिर्च काट रखी थी, ये हम हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। 1/4 चम्मच भुना जीरा और 1/4 चम्मच हमें काली मिर्च डाल देते हैं। यदि आपके बच्चे हरी मिर्च या आप ना पसंद करें मिर्च मसाले तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए ये हमारा आलू मटर बथुए का रायता 2 मिनट में तैयार हो गया है। यदि कभी कोई मेहमान आ जाए या आपका मन करे खाने के लिए तो आप तुरंत बहुत जल्दी बन जाता है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना, मुझे पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद।